नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वेलकम, मैं हूं ऋचा। डिवाइन मेजॉरिटी चैनल पर आप सबका स्वागत है। इट्स एक वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। आप मेरे लिए बहुत अमूल्य से अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, सो चलिए। सो ये जो रीडिंग है ये है वाटर साइंस का राशिफल अक्टूबर 2020 मंथ के लिए। जी हाँ, ओके, अक्टूबर 2020 के लिए वाटर साइंस का राशिफल। बहुत ही लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज़ आप जोडिक साइंस की रीडिंग किया कीजिए, तो लीजिए, फाइनली आपकी विश पूरी कर दी है। ठीक है, वाटर साइंस कौन से होते हैं आपके? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये इनके जोडिक साइंस के अक्टूबर 2020 के राशिफल हैं। ये नाम के हिसाब से है, यानी कि आपकी मून साइन चंद्र राशि के हिसाब से है। ठीक है, सो चलिए, आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने कार्ड्स अभी रखे नहीं हैं, आपके सामने ही लाइव शफल करके मैं कार्ड्स रखने वाली हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। वाटर साइंस के लिए अक्टूबर 2020 कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है? मैजिकल टैरो डेक से मैंने कार्ड्स लिए थे। ठीक है, और अब हम लेने वाले हैं चक्रा विजडम ओरेकल कार्ड्स में से कार्ड्स। ठीक है, ओके, चलिए, सेम क्वेश्चन कि अक्टूबर 2020 वाटर साइंस के लिए कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है? एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज बताइएगा। ये दो कार्ड्स भी आना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं भाई। तो वाटर साइंस की लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं क्या बदलाव आने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम वन बाय वन कार्ड्स लेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले हम शुरुआत, क्योंकि इसमें भी काफ़ी कार्ड्स आए हैं हमारे पास, तो हम शुरुआत करेंगे मैजिकल टैरो डेक से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अक्टूबर 2020 कैसा रहने वाला है आपके लिए। वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, याद रखिएगा फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट होता है उससे लीजिए, जो नहीं होता है छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आके देखते हैं रीडिंग्स। ओके, अगर आपको अपने बारे में स्पेसिफिकली जानना है तो आप उसे पर्सनल सेशंस ले सकते हैं। ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपके लिए वो पर्टिकुलर अक्टूबर 2020 कैसा रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला कार्ड हमारे पास आया है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं बताती हूँ इसका क्या मीनिंग है। टू ऑफ वॉन्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, गुड, एट ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, सो आपका कौन सा साइन है? कैंसर है, स्कॉर्पियो है, पाइसीस है, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, टेन ऑफ वॉन्स, स्ट्रेंथ,
द मैजिशियन, सेवन ऑफ वॉन्स. वाओ, एज ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ कप्स, King of Cups in reverse. I'll tell you the meaning, don't worry. The Devil in reverse. Okay friends, so one by one हम cards की reading के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है? यानी कि अभी आप जाएंगे नहीं, क्योंकि आपने tea, coffee, juice लेकर बैठेगा साथ में और end तक देखेगा reading को. Okay. अभी इसके बाद हम करने वाले हैं चक्र वज्र मुरेकल कार्ड्स की रीडिंग भी. बहुत सारे कार्ड्स आए हैं उसमें, तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है? चलिए, वाटर साइंस, आपने रिसेंटली कोई लॉस सफ़र किया है आपके करियर में या पर्सनल लाइफ में, कोई लॉस हुआ है आपको, ठीक है? और किसी तरह का लॉस हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितना आपने खोया है उतना आपको मिलने वाला है, उससे ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि साढ़े कोल है व्हील ऑफ फॉर्च्यून. हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको वो गुड लक, गुड फॉर्च्यून लौटा के देगा, 10 गुना 10 टाइम्स देगा जो आपने खोया है, क्योंकि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्पफुल पर्सन हैं आप, और लॉयल पर्सन भी हैं, डेडिकेटेड पर्सन हैं, ठीक है? और आप जो है जिसको चाहते हैं वो आपको मिल सकता है या मिल सकती है. लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप मेल हैं, वाटर साइंस, अगर आप मेल देख रहे हैं, तो पॉसिबल है कि आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं अक्टूबर मंथ में, ठीक है? अगर आप डर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उनका रिएक्शन क्या होगा, कहीं वो मना ना कर दें, ऐसा आपका वो है. देखिए फ्रेंड्स, आपकी अपनी लाइफ है, यूज़ योर ओन डिस्क्रिशन. ओके, मेरे कहने पे प्रपोज मत कर देगा, लेकिन आप एडवाइस की तरह लीजिएगा. आपकी लाइफ है, आपका फैसला है. अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं, सोच समझ के प्रपोज कीजिएगा. ये मत, कल को मेरे को मत बोलेगा, मैम आपने व्हाट्सएप प्रपोज कर दो, मैंने प्रपोज कर दिया और फिर ये हो गया, ठीक है? लेकिन मुझे सिर्फ इतना है कि अगर आप श्योर हैं सामने वाले के मन में क्या है, ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आप प्रपोज कर दीजिए उस पर्सन को, ठीक है? या अपनी फीलिंग्स धीरे धीरे एक्सप्रेस करिए स्लो पेस पे, और देखिएगा अगर आप उस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी हैं आपको ऑलरेडी, तब भी आप खुद को रोक रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना फ्रेंड्स. तो आप खुद को जो है मत रोकिए उनसे मिलने. हो सकता है आपकी उनके साथ डेट हो, मुलाकात हो उस पर्सन के साथ अक्टूबर मंथ में, उनको मिलने को बुला सकते हो, या मुलाकात हो सकती है आपकी आपके चाहने वाले के साथ, लव्ड वन के साथ उस अक्टूबर मंथ में. डेट तो मुझे दिख रही है, डेट तो होने वाली आपकी, आप चाहो ना चाहो, ठीक है? और वो पर्सन जो है जिनको आप चाहते हो, वो भी पावरफुल है, साइकिक है, या उनके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, ठीक है? और हो सकता है कि आपको ट्रैवल करके जाना पड़े, आप ट्रैवल करके जाएं, ठीक है? और आपको दूर देश से कहीं से न्यूज़ भी मिल रही है, ठीक है? कुछ आपको अच्छी गुड न्यूज़ मिल रही है, ठीक है? वाटर साइंस, आप जो है इसी तरह से शिद्दत से मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपको गुड न्यूज़ भी मिल रही है. आपकी आप जो प्लान्स बना रहे हो, जिन रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, वो पॉजिटिव आने वाले हैं, ठीक है? और आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है, कुछ लोगों की सैलरी बढ़ सकती है, कुछ लोगों का जो है वो जॉब मिल रही है आपको. अगर जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको जॉब मिल रही है, ठीक है? और किसी और रिकॉन्सिलेशन हो रहा है आपका, ठीक है? तो गॉड को प्रे करते रहेगा, इसी तरह से आपका रिकॉन्सिलेशन हो रहा है आपके पर्सन के साथ. कमिटमेंट के ऑफर्स आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं, नहीं तो आप कर रहे हैं, जैसे भी आपको सूट करे. एनर्जी सब देख लीजिएगा, ठीक है? आप इतने हेल्पफुल पर्सन है ना, किसी का दुख आपसे देखा नहीं जाता, बहुत उम्दा इंसान हो आप, ठीक है? आपके आपसे किसी का दुख नहीं देखा जाता, ठीक है? आप हेल्प करते हो बहुत सारे लोगों की, ठीक है? लेकिन हो सकता है कि कोई आपकी हेल्प करना चाहता है, तो उसकी हेल्प को डिक्लाइन मत कीजिएगा, ठीक है? और हो सकता है कि आपको बैलेंस शीट करना हो दो ऑपोजिट चीज़ों में, ठीक है? आपको किसी के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ यानी पैचअप करना हो,
तो वो अक्टूबर मंथ उसके लिए बिल्कुल सही मंथ है। हो सकता है कि आप फैसला नहीं कर पा रहे हो कि क्या मैं उसके साथ पैचअप करूँ, रिकॉन्सिलेशन करूँ ना करूँ, या मैं क्या मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूँ ना करूँ, या मैं शुड आई बी माई ऑथेंटिक सेल्फ विद दैट पर्सन, मैं अपनी वल्नरेबिलिटी उसके सामने दिखाऊँ ना दिखाऊँ, मैं अपनी वीकनेस उसके सामने दिखाऊँ ना दिखाऊँ, अपने इमोशंस उसके सामने दिखाऊँ ना दिखाऊँ, ऐसा आप सोच रहे हो। तो कार्ड ये कह रहे हैं कि आप अपने दिल से पूछिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि वो पर्सन ने बिल्कुल आप अपने इमोशंस उनको दिखाइए, एक्सप्रेस करिए, अगर आपको विश्वास है कि वो पर्सन उनकी कदर करता है या करती है तो बिल्कुल दिखाइए, ठीक है। बट ठीक है, ये फैसला आपके ऊपर है। आपकी नई शुरुआत, नई जॉब, नया प्रोजेक्ट, नया बिजनेस आता हुआ दिख रहा है। आप तो मैजिक मैनिफेस्टर हो, आप जो चाहते हो आपको मिलता है, और आप ये बात जानते हो कि आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, ठीक है। और आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, हो सकता है आप हिम्मत इकट्ठी कर रहे हो किसी को प्रपोज करने के लिए, किसी को कमिटमेंट देने के लिए, ठीक है। तो अक्टूबर मंथ में आप कर पाओगे, ठीक है, या उनसे बात करके अपनी फीलिंग्स बताने के लिए ही आप हिम्मत इकट्ठी कर रहे हो, तो वो आप कर पाओगे अक्टूबर मंथ में। आप मैनिफेस्ट कीजिएगा अपने अपने जो चेंजेस हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं, करियर से रिलेटेड या लव लाइफ से रिलेटेड, वो मैनिफेस्ट कीजिएगा, वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। और क्या कहें, सब दिख रहा है कि सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। अपने पॉइंट पे अडिग रहिएगा, अपने फैसले पे अडिग रहिएगा। किसी के लिए अगर आपको स्टैंड लेना पड़ सकता है तो स्टैंड लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो फिर आपको 10-fold उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। चलिए, और पैसा आ रहा है आपके पास, हो सकता है कोई आपकी हेल्प करने को भी रेडी है। और आप जो है अपनी एडिक्शन से डील करेंगे, एडिक्शन से बाहर आएंगे, अपने टेम्पटेशन से बाहर आएंगे, ठीक है। और अगर किसी ने कुछ कर रखा था आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी, तो उससे भी आप बाहर आ सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल जो लॉस था उससे आप रीगेन कर जाएंगे, आपको बेनिफिट होगा, प्रॉफिट, मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको दिख रहे हैं मुझे। और ठीक है, सो चलिए अब देखते हैं। ठीक है, हम कंफ्यूज हुई गो बा, ओके चलिए, ओके चलिए देखते हैं कि आपके चक्र से मिरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं, कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है, वाटर साइंस की लाइफ में, ठीक है। यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये है एम्पास, एम्पासे, ओके, फॉरगिवनेस, ओके, आई थिंक आई सेलेक्टेड द रॉन्ग सेट ऑफ कार्ड्स। प्लीज़ एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने सही कार्ड सेलेक्ट करे हैं। एम्पासे, विजडम, इंस्टिंक्ट, रिकवरी, एंड देन आई एम नॉट टेकिंग एनी रिवर्सल्स ओवर हियर फ्रेंड्स, डिस्कवरी, रिकवरी, डिस्कवरी, सोलमेट, डिस्पोंडेंस, प्रेयर, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं भाई, पैशन, ट्रिकरी, मैंने कहा ना किसी ने ट्रिक किया था आपको पास्ट में, फॉरगिवनेस, बिटर स्वीट, ठीक है। एंड देन वी हैव वैनिटी, परसेप्शन, ग्रीफ, कॉम्प्लेसेंसी, रिजेक्शन, वर्कहोलिक एंड परसिवियरेंस, ओके। सो ये आपके कार्ड्स आए हैं। पहली बात तो जैसे मैजिशियन एनर्जी फिर से आई है आपके लिए, तो आप मैजिक मैनिफेस्टर हैं।
आप जो विश करते हैं, जो चाहते हैं, उसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मैनिफेस्ट करके वो आपको मिल जाता है. तो उसको, इस पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा. सो और आपको अब्रॉड से कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है. आपको कुछ अब्रॉड में फ्रेंड्स से कुछ ट्रैवल के कुछ इन्विटेशंस आ सकते हैं. कुछ लोगों को कुछ इवेंट ट्रैवल करना पड़ सकता है अब्रॉड, एंड यू विल एंजॉय दैट ट्रैवल. आप वो ट्रिप एंजॉय करेंगे जब भी आप जाएंगे. ओके आप जो है एक चीज़ मैं कहूँगी कि दोगले फ्रेंड्स से बच के रहिएगा. ठीक है, जो दिखाते कुछ हैं कुछ, आप जो है अपने जेन्युइन फ्रेंड्स को स्पॉट नहीं कर पा रहे हैं. कोई एक पर्सन है, चैनल मैसेज, कोई एयर साइन है जो आपके लिए बहुत जेन्युइन है. वाटर साइंस आपके लिए, कोई एयर साइन है जो आपके लिए बहुत जेन्युइन फीलिंग्स रखता है या रखती है. ठीक है, उनको आप स्पॉट नहीं कर पा रहे हो, तो उनके लिए जो है वो आपके सोलमेट भी हो सकते हैं जो एयर साइन है. ठीक है, सो देखिएगा, सोचिएगा थोड़ा इस बारे में. ठीक है, एंड मुझे चैनल मैसेज आ रहा है कि कोई लीब्रा है, आई डोंट नो व्हाई लीब्रा है कोई. ठीक है, चलिए एनीवे. सो अगर आपको किसी से माफ़ी मांगनी है वाटर साइंस, तो ये सही समय है. अक्टूबर में आप उससे माफ़ी मांग सकते हैं, या आपसे कोई माफ़ी मांग रहा है तो उसको माफ़ कर दीजिएगा. जो माफ़ करता है उसका दिल बहुत बड़ा होता है ना, तो उनको माफ़ कर दीजिएगा. ठीक है, एंड आप लग्जूरियस लाइफ आप स्पेंड करेंगे. आपकी जो जैसे रुका हुआ पैसा था वो आ सकता है आपके पास. ठीक है, तो जो लग्जूरियस लाइफ आप जीना चाहते हैं वो डेफिनेटली आप जी सकते हैं. ठीक है, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, पार्टी वगैरह हो सकती है, या कुछ इवेंट, वर्चुअल इवेंट, ऑनलाइन इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं, किसी को बुला सकते हो डेट पे आप, ऐसा मुझे दिख रहा है. ठीक है, आपको जो है कौन आपसे प्यार करता है, कौन जेन्युइन है कौन नहीं है, इसकी आपको पहचान होने वाली है. डिस्कवरी आपको पहचान होने वाली है, कौन आपका सच्चा सोलमेट है, कौन आपकी कौन आपसे सच्चा प्यार करता है या करती है. ठीक है, आपकी रिकवरी हो रही है. अगर हेल्थ कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी कोई, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, कुछ भी प्रॉब्लम थी, उससे आपकी रिकवरी हो रही है फ्रेंड्स. ठीक है, आपकी जो है अगर किसी ने आपको ट्रिक किया था, ठीक है, या अगर कोई आपको ट्रिक कर रहा है, तो अपने इंस्टिंक्ट की आवाज़ सुनिएगा, अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनिएगा. आपको पता चलेगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है. कौन आपको ट्रिक कर रहा है, कौन आपको किसी के खिलाफ ब्रेन वॉश कर रहा है, सोचिएगा ज़रा इस बारे में. ठीक है, एंड पैशनेट मोमेंट्स हैं आपके किसी के साथ, यू नो रोमांटिक मोमेंट्स, पैशनेट मोमेंट्स आप स्पेंड कर सकते हो किसी के साथ, या सिंपल अपना पैशन कोई है आपकी लाइफ में, तो वो पैशन आप फॉलो करोगे अक्टूबर 2020 में. जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक कार्ड गिर गया है. ओके, परसेप्शन कार्ड गिरा था, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका परसेप्शन जो है, नज़रिया जो है 2020 अक्टूबर में बदलने वाला है, किसी को देखने का या ज़िंदगी को देखने का. ठीक है, आपका परसेप्शन है, जो नज़रिया है वो बदलने वाला है. ठीक है, फ्रेश पर्सपेक्टिव से आप किसी को देखोगे, या आपका जो है पर्सपेक्टिव जो है बदलने वाला है किसी को देखने का. ठीक है, और जो दुख है, अगर आपने किसी को खोया है इस साल, ठीक है, तो आई डोंट नो, आई एम स्ट्रांगली गेटिंग, किसी ने अपने पेट को खोया है, किसी ने किसी फैमिली मेंबर को खोया, जिसको भी आपने खोया है, तो उस लॉस से आप रिकवर करोगे. ठीक है, ऐसा कि याद रखिए कि वो हेवन से हमें देख रहे हैं. ठीक है, और अगर आप दुखी रहोगे तो उनको दुख होगा, तो इसलिए आप उनको खुशी के साथ याद कीजिए, सुकून के साथ याद कीजिए, तो वो जो है उनको भी सुकून मिलेगा. ठीक है, एंड अगर आप अपनी स्मग एनर्जी में हैं, यानी कि बहुत किसी घमंड एनर्जी में है, किसी स्मॉल परसेंटेज के लिए है, ये सबके लिए नहीं है, कि तो उस घमंड को जो है, अपनों के साथ किस बात का घमंड, अपनों के साथ किस बात का घमंड, जो आपसे प्यार करते हैं उनके साथ किस बात का घमंड, ऐसे घमंड करोगे अपनों के साथ जिनके साथ प्यार, जो आपसे प्यार करते हैं, और अकेले रह जाओगे आप. नहीं करना है ऐसे. Break those walls of ice. I'm telling you. Put your guards down and break those walls of ice. Small percentage के लिए है. ठीक है, rejection
अगर आपको इस बात का आप घमंड की वॉल्स दीवारें बना के इसमें बैठे हो कि आपको लगता है कि आप रिजेक्ट हो जाओगे, तो ऐसा सोचो ही मत क्यों रिजेक्ट हो गए आप। आप ऐसा सोच रहे हो, मैं पॉजिटिव सोचो। आप लोगों की बातें बहुत सुनते हो, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, उसकी बातें बहुत सुनते हो। अरे लोग आपका साथ देने आते हैं प्रॉब्लम के टाइम पे, नहीं ना। और आपको जो है काफ़ी काम में आप बिज़ी रहेंगे एज यूजुअल, अपने काम में खुद को व्यस्त रखेंगे ताकि आप अपने दुख को भुला सकें। यही करते हो ना, किसी को भुला सको, किसी को याद ना करो, उसके लिए काम में खुद को अस्व्यस्त रखते हो। सही कह रही हूँ ना मैं? तो आप वही करोगे, ठीक है। लेकिन आपको एडवाइस है कि अपनी आर्टिस्टिक साइड को बाहर लाइए, जिससे आपको ज़िंदगी में खुशी मिलेगी। और जिसके बारे में सोच रहे हैं उनका पोर्ट्रेट भी बना सकते हो आप, उससे आपको और उनको दोनों को खुशी मिलेगी। सरप्राइज़ दीजिएगा उनको। ये उन जो आप आर्टिस्ट हैं जिनमें आर्टिस्टिक साइड है उनकी बात कर रही हूँ, मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। किसी को स्पेशल फील कराने के लिए भी मेहनत कर सकते हो आप, ठीक है। दिस इज़ स्ट्रांगली व्हाट आई एम गेटिंग। एंड प्रेयर, अगर आप किसी से मिलन चाहते हो, किसी को करियर में सक्सेस चाहते हो, रिकवरी चाहते हो, तो प्रेयर्स कीजिए, ठीक है। यूनिवर्स आपकी प्रेयर को डेफिनेटली आंसर करेगा, क्योंकि प्रेयर का कार्ड आया है आपके लिए। और जिसको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हो, भाई कह दो भाई फीलिंग्स अपनी उसको, क्या हो जाएगा। बात कर रहे हो नहीं तो कम से कम उससे फीलिंग्स जानने की कोशिश करो उससे, ठीक है। ऐसे मत करो अपने साथ, ठीक है। एंड खूबसूरत यादें होने वाली आपके उस पर्सन के साथ। हो सकता है कि जब आप उनसे मिलो तो खट्टी मीठी नोकझोंक हो आपकी उनसे, लेकिन उससे रिश्ता और गहरा होगा आपका। खूबसूरत पल बिताओगे आप उनके साथ, ठीक है। सो ओवरऑल आपके लिए कार्ड जो हैं बहुत ही अच्छे आए हैं। अक्टूबर मंथ आपका अच्छा रहने वाला है, ओके। और चलिए वाटर साइंस, ये थी आपके अक्टूबर 2020 वाटर साइंस के लिए राशिफल। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपके साथ कितना रेजिनेट किया, आपको क्या अच्छा लगा, या आप जानते हो किसी वाटर साइन को तो उनके साथ ही रीडिंग शेयर कीजिएगा, ठीक है। सो चलिए, आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। सेवनारा।